everybody, welcome back to my channel Neevila Classes. I'm Nivita Jaiswal. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीसी. इससे पहले मैंने टॉट, फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी सब्जेक्ट थे, उसको कवर कराने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी. अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकॉन क्लिक कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू वीडियोस मिलती रहे. एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी. एंड यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि इंडियन पिनल कोड क्या होती है. सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक जानते हैं, इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे क्राइम की तरफ. पीछे से बैक में आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि बैक में रोड है और यहाँ पे मोटर व्हीकल आते जाते रहते हैं. ट्रैफिक की वजह से आपको हॉर्न सुनाई देते होंगे, इसके लिए आई एम सॉरी. एंड जो मैं बोलती हूँ उसको सुने, ना कि हॉर्न को सुने, ओके. एंड यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये क्राइम क्या होता है एंड इंडियन पिनल कोड क्या है. जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो क्या था कि जब चोरी, हत्या, लूट जैसी घटना की जाती थी तो लोगों को, जो अपराधी थे, उनको खुला छोड़ दिया जाता था. कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था. तो लोग क्या थे कि एक्साइटेड पन में, कि कहा जाए कि एक तरीके से वो उत्प्रेरित हो जाते थे कि नहीं, अब तो मुझे कोई भी सजा का प्रावधान है ही नहीं, तो इससे अच्छा कि दोबारा वही घटना कर दिया जाए. तो अंग्रेजों के शासन में जो था, या कहा जाए कि भारत के पहले के जमाने में कहा जाए, पुराने जमाने में कहा जाए, पहले के जमाने में हिस्टोरिकल की बात कर रही हो, तो उस समय जब अपराध किए जाते थे तो राजा महाराजा रहा करते थे, राजा महाराजा के द्वारा सजा दिया जाता था. या फिर कह सकते हैं कि एक पंचायत होती थी. अभी भी गाँव में, छोटे छोटे गाँव में पंचायत होते हैं, तो पंचायत के द्वारा सजा का प्रावधान कर दिया जाता था. नहीं तो जो और भी छोटे छोटे गांव रहते थे तो उसमें अपराधी को खुली छूट दे दी जाती थी. बट हमारे लॉ जो जूरिस्ट है एंड जिसको हम कहा जाए कि न्यायविद जो है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी संहिता, क्यों ना एक ऐसी कोर्ट का निर्माण किया जाए जिससे कोई भी अपराधी जो है उसके लिए सजा का प्रावधान हो. तो क्या हुआ था कि इंडियन पिनल कोड 1860 में इंडियन पिनल कोड की स्थापना की गई थी. यहाँ मैं नोट आउट कर देती हूँ, यहाँ ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा आपको. और मैं बेसिक ले जा रही हूँ, बेसिक से बता रही हूँ, तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा. तो लोग सोचते हैं कि मैम जो लिखाई है उसको हम लोग क्या करेंगे कि स्क्रीन शॉट करके और इसके बाद भी नोट करके और हो जाएगा, वही मेरा नोट्स बन जाएगा. बट ऐसा नहीं है. जब तक आप सुनेंगे नहीं, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या पढ़ाई है. और जब एग्जाम में आप बैठते हो लेके, तो आपको आपके माइंड में उस जो साउंड है वो गूंजेगा कि हाँ मैम ने ये पढ़ाया था करके, तो आप फटाफट कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देंगे. अब यहाँ पर बात आती है कि 1860 में इंडियन पिनल कोड की स्थापना की गई थी, जिसमें बताया गया था कि हर एक अपराधी को क्या क्या सजा दिया जाएगा. इसमें यही चीज बताया गया है. आपके पास इंडियन पिनल कोड की अगर बुक नहीं होगी तो आप बुक को परचेज कर लेंगे. एंड कौन सी राइटर है मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगी. एंड अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं होगा तो बेयर एक्ट को भी खरीद लेंगे. बेयर एक्ट है, यहाँ पे मेरे पास बुक है, भारतीय दंड संहिता यहाँ पे 1860 दिया हुआ है, एक्ट 44 ऑफ 1860. इस जो ये बेयर एक्ट जरूर खरीद लेंगे क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज बहुत अच्छे से समझाया जाता है. एंड इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वाला परचेज करेंगे ताकि इंग्लिश समझ में नहीं आए तो हिंदी भी आप समझ सकते हैं, हिंदी समझ में नहीं आए तो इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं. तो ये दोनों लैंग्वेज की बुक है, तो आप बेयर एक्ट खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे. अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि इंडियन पिनल कोड की तो स्थापना हो गया 1860 में, अब क्या होती है कि रेप, चोरी और डकैती जैसी जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, तो अब व्यक्ति को सजा का प्रावधान कर दिया गया है, सजा दे दिया जाता है. तो जिससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है डरता है, जैसे कि रेप करने से कोई भी व्यक्ति डरता है कि नहीं मुझे इसमें आजीवन कारावास हो जाएगा, मुझे इसमें फांसी हो जाएगी. अभी तो निर्भया कांड वाला आप सुन रहे होंगे, अभी न्यूज में बहुत आ रहा है कि 22 को फांसी देनी है. बट अभी ये चीज चेंज हो गया है कि शायद हो सकता है कि उनको फैब में फांसी दी जाए. तो इस तरीके से क्या होता है कि सजा का जब प्रावधान किया जाता है तो एक जो क्रिमिनल जो है क्या करता है कि डरता है कि नहीं मुझे ये चीज अपराध नहीं करनी है. ओके, तो अब यहां पर बात करते हैं कि व्हाट इज क्राइम. यहां मैंने नोट आउट की हूं कि व्हाट इज क्राइम. जब तक आप क्राइम नहीं जानोगे तो आप कैसे समझोगे इंडियन पिनल कोड. तो मैं ना बेसिक से आपको पढ़ा रही हूं. तो बेसिक यहां पे ये है कि व्हाट इज क्राइम. डिसऑबिडियंस ऑफ द लॉ इज कॉल्ड अ क्राइम.
मीन्स कि विधि की अवज्ञा ही क्या होती है, अपराध होती है। क्या बताई मैंने कि विधि की अवज्ञा मीन्स विधि की भूल, कहा जाए कि विधि की भूल ही हम कह सकते हैं कि जो लॉ में नियम कानून बनाए गए हैं, रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसकी भूल के कारण आप कोई भी अपराध कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है कि एक आप क्रिमिनल बन जाते हैं, क्रिमिनल कहे जाएंगे। इसके द्वारा आपको आपको क्या होगा कि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान किया जाएगा, फाइन का प्रावधान किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रत्येक डिसऑबिडियंस ऑफ द लॉ इज नॉट अ क्राइम। अब कैसे कि यहाँ पर ऑल जो आपके लॉ है, अगर हम लोग डिसऑबिडियंस करेंगे तो यहाँ पर क्राइम कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर फैमिली लॉ हो जाती है तो उसका अगर हम लोग डिसऑबिडियंस करेंगे तो वो तो क्राइम नहीं होगा, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वायलेशन करेंगे तो ये तो क्राइम नहीं होगा। बट यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक जो डिसऑबिडियंस ऑफ द लॉ इज नॉट अ क्राइम, जैसे कि आपका हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फैमिली लॉ, यहाँ पर हमने क्राइम को समझ लिया। और इंडियन पिनल कोड जो है, सॉरी इंडियन पिनल कोड जो 1860 है उसके सेक्शन 40 में आप देखेंगे, बेयर एक्ट खोल के सेक्शन 40 में इसको डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज अपराध, जो व्हाट इज क्राइम। ओके, अपराध के बारे में बताया गया है सेक्शन 40, सेक्शन 40, इसे आप समझ जाएंगे। एंड अब यहाँ पर चलते हैं कि जैसे कि जब कोई भी व्यक्ति जो है हत्या करता है, जो मर्डरर बन जाता है, तो वो क्या करता है कि एक समाज में जो है, एक समाज के अंतर्गत जो भी एक क्या है कि नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध चला जाता है। क्या होता है कि नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध चला जाता है और समाज में जो है वो घोर निंदा के योग्य हो जाता है। क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मर्डर करता है, रेप करता है, तो क्या उसे बहुत ही अप्रिसिएट किया जाता है क्या? अफकोर्स उसे निंदा की जाती है, उसे कहा जाता है कि आपने ऐसा क्यों अपराध किया है, या उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, उसे एक गलत दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो एक रेपिस्ट रहता है, वो एक मर्डरर रहता है, वो एक चोर रहता है, वो एक डकैत रहता है। तो एक समाज में क्या है कि घोर निंदा की योग्य होता है। ओके, यहाँ आपने समझ लिया। अब यहाँ पर चलते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। यहाँ हमने अपराध को तो समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इसेंशियल एलिमेंट्स जो है 4 है। सबसे फर्स्ट है ह्यूमन बॉडी, एंड सेकंड है मैंस रिया, एंड थर्ड है एक्टस रियस, एंड फोर्थ है इंजुरी टू ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर बात किया जाता है कि सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है ह्यूमन बॉडी, मीन्स कि मानव का शरीर। यहाँ पर जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाते जाऊंगी और आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा इंडियन पिनल कोड। तो यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी की बात कही गई है, तो ह्यूमन बॉडी की मीन्स कि ऐसा नहीं कि क्राइम जो किया है तो एक काउ के द्वारा अगर कोई व्यक्ति पर चढ़ जाया जाता है तो आप तो काउ को सजा नहीं दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव मीन्स कि ह्यूमन, एक व्यक्ति होना चाहिए। इसको जो ह्यूमन बॉडी है उसको इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 11 में। यहाँ पर बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी मीन्स मानव होना चाहिए, एक व्यक्ति के द्वारा क्राइम किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है मैंस रिया। मैंस रिया का मीन्स होता है दुराशय, या हम कह सकते हैं कि इंटेंशन। यहाँ पर एक लैटिन लैंग्वेज है जिसे इंग्लैंड से लिया गया है, एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मिल सिट रिया, मीन्स कि आपके मन के अंदर एक जो अपराध है, एक क्रिमिनल व्यक्ति है, उसको खुद से क्रिमिनल नहीं बनाया जाता है, बल्कि उसके मन के अंदर दुराशय करने का इंटेंशन होता है। क्या होता है कि दुराशय, जो हम कह सकते हैं कि मेंस रिया, मेंस होता है कि मन के अंदर ऐसी आशय रहता है, हम कह सकते हैं कि इंटेंशन रहता है ऐसा कार्य करने के लिए, क्राइम करने के लिए, तभी कोई भी व्यक्ति जो है क्राइम करने के लिए जाता है। मीन्स की मन के अंदर ऐसा का, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपार्टमेंट के ओनर को मारूंगी, तो मेरे मन के अंदर ऐसा इंटेंशन बन गया है कि मुझे आज अपार्टमेंट के ओनर को मारना है। तो क्या होती है कि इससे बताया गया है कि मन अपराधी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो है क्रिमिनल ऐसे नहीं बनता जब तक उसका मन अपराधी नहीं होता है। ओके, और इसे यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 34 में इसे डिफाइन किया गया है, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34। ओके, इसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है। इसेंशियल एलिमेंट का सेकंड इसेंशियल एलिमेंट है, एंड थर्ड इसेंशियल एलिमेंट है एक्टस रियस।
मीन्स यहाँ पर एक्ट एक्ट यहाँ पर एक्ट एक्ट मीन्स होता है कि जैसे कि कोई भी, जैसे कि आपके मन में, जैसे कि मेरे मन में यहाँ पर इंटेंशन आ गया है कि आज मैं अपार्टमेंट के ओनर को मारूंगी, तो हमारे मन में आने से ऐसा थोड़ी हो जाता है कि हमने मन में सोच लिया तो वो चीज़ क्राइम हो जाएगा। जब तक हम उसको मार नहीं देंगे, जब तक हम कोई भी एक्ट नहीं कर देंगे, तब तक वो क्राइम जो है हम क्रिमिनल नहीं बनते हैं। जब तक हम क्राइम को वो सक्सेस नहीं कर देते हैं या क्राइम कर नहीं देते हैं, तब तक वो जो हमारा इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं होगा। मन में सोचना जो है, मन में हम कुछ भी सोच सकते हैं। आज हम सोच सकते हैं कि मैं आज ये क्या बोलते हैं अंबानी को मार दूंगी, ऐसा नहीं है, बट हम समझाने के लिए बता रहे हैं, इसके लिए आई एम सॉरी। को क्या होता है कि आज मैं अंबानी को मार दूंगी, तो ये इंटेंशन कर सकते हैं, इंटेंशन यहाँ पर पनिशेबल नहीं होगा। जब तक आप एक्ट नहीं कर देते हैं, तब तक वो एक्ट को हम लोग इंटेंशन को हम लोग पनिशेबल नहीं बना सकते हैं। तो पहला तो हो गया एसेंशियल एलिमेंट, हो गया ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर होना चाहिए, उसके मन में दुराशय करने का जो इंटेंशन होना चाहिए। इसके बाद जो इंटेंशन को जो इंटेंशन है उसको पूरा कर देना चाहिए, मीन्स कि एक्ट कर देना चाहिए, मीन्स कि कहा जाए कि अपराधी कृत्य, जो अपराध मन में सोचा है उसको कर देना है। मीन्स कि हमने जो सोचा कि मैं अपार्टमेंट के ओनर को मार दूंगी, तो मैंने क्या किया कि बंदूक उठाई और अपार्टमेंट के ओनर को एक गोली मैंने चला दी, मीन्स कि गन मैंने चला दिया, एक गोली मैंने चला दी, जिसके कारण अपार्टमेंट के ओनर की मृत्यु हो गई। तो मैंने एक्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है, इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, कि जैसे कि जब मैंने एक्ट कर दिया, जब मैंने अपार्टमेंट के ओनर को मैंने गोली चला दी, तो वो क्या हुआ कि इंजरी, मीन्स कि वो क्या हुआ कि मर गया, या हम कह सकते हैं कि उसकी पैर टूट गई, हड्डी टूट गई, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी सर फूट गया, हाँ, तो उसकी नाक टूट गई, उसकी उंगली टूट गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, जो फोर्थ इसेंशियल एलिमेंट है, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है, जब आपने एक्ट कर दिया, इंटेंशन को एक्ट में तब्दील कर दिया, एक्ट करने के बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति को इंजरी हो गई, मीन्स क्षति हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, ओके, क्राइम हो जाएगा। तो इंजरी को कहाँ डिफाइन किया गया है, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 44, कहाँ डिफाइन किया गया है, 44 में डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके की इंजरी होनी चाहिए। जैसे कि आपने तो हत्या वाली मैंने एक एग्जांपल देके, अपार्टमेंट के ओनर को, ओनर का एग्जांपल देके मैंने तो समझा दी। अब इंजरी तो है, इंजरी फोर टाइप है इसकी, इंजरी जो ह्यूमन बीइंग की इंजरी जो है, जैसे कि यहाँ पर फोर पॉइंट है, यहाँ पर मैं नोट आउट करते जा रही हूँ। फर्स्ट है माइंड, जैसे कि आपने किसी को कुछ भी बोल दिया, अब उसको आहत लग गया, नर्वस शॉक हो गया, वो क्या होता है कि नर्वस शॉक के कारण मर जाता है, मीन माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये इसने भी सजा का प्रावधान है। फर्स्ट माइंड, एंड सेकंड जो है बॉडी, बॉडी मीन्स कि शरीर को क्षति पहुंचती है, क्षति इंजरी होती है। एंड थर्ड जो है, थर्ड क्या है आपका, प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को क्षति पहुंचती है। कोई भी क्या किया कि आपका ट्रेसपास टू लैंड कर दिया, तो कब्जा कर लिया, आपके जो लैंड है उसने कब्जा कर लिया, तो ये भी आपका एक अपराध माना जाएगा। तो प्रॉपर्टी को इंजरी होती है। एंड फोर्थ है आपका रेपुटेशन, इसको बताया गया इंडियन पीनल कोड 399 देख लीजिए, सॉरी 499 एंड 500। जैसे कि आपको डिफामेशन कोई कर देता है, आपकी आपकी मान हानि कर देता है, आपके बारे में कह दिया कि ये जो डीएसपी है, क्या हुआ कि एक लड़की के साथ भाग गया, तो इसमें क्या हुआ कि आपको मान हानि हो गई, आपकी रेपुटेशन को क्षति पहुंच गई। एक तो मैं डीएसपी हूँ, ऊपर से मुझे इतनी बड़ी लोग उपहास उड़ा दिए, इतना बड़ा मेरा डिफॉर्मेशन कर दिए, इतनी बड़ी मेरी क्षति पहुंच गई, रेपुटेशन को क्षति हो जाती है। तो यहाँ पर आप मान हानि कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फोर पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट है कि ह्यूमन बींग जो है कितनी प्रकार की क्षति हो सकती है। माइंड को क्षति होनी चाहिए, बॉडी को क्षति होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी को क्षति होनी चाहिए, इंजरी होनी चाहिए, रेपुटेशन को इंजरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फोर पॉइंट बताए गए हैं कि जैसे कि आपके कोई भी व्यक्ति है उसके शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को आपकी क्षति पहुँचती है, इंजरी पहुँचती है, तो वो एक क्राइम हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग ने जाना कि व्हाट इज क्राइम एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे अनलॉफुल असेंबली एंड एक एक करके हम लोग आईपीसी भी कवर करते जाएंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे ताकि आपको लॉ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।